घर बिखरा पड़ा है यहाँ पर। एक तो न्यू ईयर की पार्टी भी दो, फिर ऊपर से सारा घर भी समेट। हद, मासी भी नहीं आई आज। कौन है, कौन है वहाँ? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं? तुम मेरे घर तक आ गए? मैम मैं आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था ना, काफ़ी दिनों से लग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके घर आ जाऊँ दरवाजे। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती है, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी स्टोरी। मैम ये वो स्टोरी नहीं है, ये दूसरी स्टोरी है। मतलब वही स्टोरी है, लेकिन इसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त चेंजेस किए हैं, आपको बहुत पसंद आएगी मैम। आप, तुम्हारी पिछली स्टोरी भी कचरा थी, तुम्हारी ये स्टोरी भी कचरा है, निकलो यहाँ से। मैम आप प्लीज़ आप एक बार पढ़ तो लीजिए मैम, आपको बहुत पसंद आएगी मैम। मैंने कहा ना मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी स्टोरी, जाओ यहाँ से। मैम मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ मैम, आप एक बार पढ़ तो लीजिए। अच्छा गेट आउट, गेट आउट। आई एम सॉरी मैम। मैम मैम गेट आउट। आजकल हर कोई अपने आप को डायरेक्टर समझने लग गया है। हो गया, लाश है लाश, बारात नहीं। हे असिस्टेंट। जी सर। क्या रिपोर्ट है सर? सर में एक चोट लगी है, जैसे किसी भारी चीज से मारा गया। अच्छा, और कोई क्लू? नहीं सर, पूरी बॉडी में एक ही तरफ निशान मिला है, सर पे। अच्छा, खूबसूरत थी, जवान थी, सक्सेसफुल थी, जलने वाले तो बहुत होंगे सर। और यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से पता लगा है कि रात में कोई न्यू ईयर पार्टी हुई थी। अच्छा, आस पास पड़ोस वालों से मिलो और सबसे एक एक इन्फॉर्मेशन लो कि यहाँ क्या क्या हुआ है, और मेरे ऑफिस पहुँचो। नोटेड सर। हाउ्स इट, क्या रिपोर्ट? सर लड़की का नाम आमना था, उम्र 28 साल थी, और सर इसके फैमिली मेंबर्स पिछले 5 सालों से कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं, जब ये मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी। और सर इसकी 7 कंसेक्यूटिव बुक्स क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं। और सर और ये भी कहा जाता है कि जिस बुक पर ये हाथ रख दे वो हिट होनी ही होनी है। अच्छा, मतलब ये रेवेंज या जेलसी मर्डर? सर ये भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वो कैसे? क्योंकि सर इसके पर्सनल रिकॉर्ड से पता चला है कि ये बहुत पोलाइट और लविंग पर्सनैलिटी थी, और इसके फ्रेंड्स जो कि कल इसके साथ न्यू ईयर पार्टी में भी थे, उनसे भी पता लगा है कि इसका किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं। जी अंदर आने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं कम इन? थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। दो चाय भिजवा दीजिएगा। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम मेरा नाम साद है, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, मैंने किताब लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे पब्लिश करें। साद आप मुझे अपनी किताब की कुछ लाइन सुनाएंगे? ये कहानी बेसिकली एक राइटर के बारे में जो बहुत डिप्रेस्ड है, इसने बहुत सारी रिजेक्शंस देख ली हैं, इसलिए ये बहुत बहुत उदास है। जब ये वापस अपने घर जाता है तो इसे खाली कुर्सी घूरती है। तहरीर इसके कलम का बोझ उठाने से बिल्कुल कासिर है, और हुरूफ
बिल्कुल उस तरह बेतासुर हो चुके हैं जैसे मैदान-ए-जंग में जख्मी सिपाही होते हैं। ये है ब्रीफली मेरी कहानी। साद, वेरी नाइस। आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ देयर सर, आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स दैट देयर इज एन अनदर मर्डर। हैं? यस सर, आप भी जल्दी से आ जाएं, मैंने आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दी है। ओके। सर। हाँ, क्या रिपोर्ट है? सर, एक और डेड बॉडी रिपोर्ट हुई है और सर इसके सर पे भी किसी भारी चीज से वार किया गया है और सर ये एक बहुत बड़ी पब्लिशर थी। तो मैं डेथ रिपोर्ट किसने दी? सर, यहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है, उसने कॉल करके मुझे बुलाया। हाँ, क्या देखा है तुमने? सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर, मैं तो यहाँ रिसेप्शन पे होता हूँ। मैं तो मैडम को कब से कॉल कर रहा था, जब उनकी कॉल नहीं लगी तो मैंने आकर देखा, यहाँ पर उनकी लाश थी। और आखिरी बार कौन आया था यहाँ? सर, आखिरी बार यहाँ पर एक गोरे आदमी आया था, उसके अजीब से बाल थे, मतलब काले और सफ़ेद। पहचान लोगे आप? जी, दोबारा देखूंगा तो पहचान लूंगा। आप मेरे साथ हैं, जानते हो उसे? नहीं, कभी देखा नहीं उसको। सर, इन्वेस्टिगेशन करने से पता लगा है कि बिल्डिंग के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज मिली है और विटनेस से भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा है कि ये वही शख्स है जो लास्ट पब्लिशर के रूम में गया था। अच्छा। ये लीजिए सर। इसको सारे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दो। ठीक है सर। और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि ये कहाँ रहता था, क्या करता था, नाम पता सब कुछ। ठीक है सर, मैं सारे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देता हूँ। हेलो, एक चाय लिया? हेलो, एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन के लिए सारा दिन लोगे क्या तुम लोग? ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। हेलो सर, सर उस बंदे की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है, मैंने आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दी है, आप भी पहुँचे, मैं भी पहुँच रहा हूँ। ठीक है सर। लेकिन आजकल मैं कुछ रोमांटिक्स बुक्स पे काम कर रही हूँ, उन्हें पब्लिश कर रही हूँ, तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, हम उसको मिल के काम करें। असल में आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत इमोशनल है, तो सॉरी फॉर दैट कि मैं आपकी स्टोरी अभी पब्लिश नहीं कर सकती। मैम आप प्लीज़ एक बार मेरी किताब पढ़ तो लीजिए। मैम मैंने इस पर 5 साल स्ट्रगल किया है। मैम प्लीज़ मैम, आई एम
आई अश्योर यू मैम, आप ये सब किताब पढ़ेंगी ना तो आपको पसंद भी बहुत आएगी और जब ये रिलीज़ होगी तो ये मार्केट में धमाका कर देगी मैम। मैम मैम प्लीज़ मैम मैम प्लीज़। साज मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपकी बुक पब्लिश नहीं कर सकती, सॉरी। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आप एक बार प्लीज़ इसे पढ़िए तो सही, आपको जेन्युइनली पसंद आएगी मैम, आप पढ़िए तो सही इसे प्लीज़। साथ मैंने आपको अभी तो बताया कि मैं नहीं कर सकती। मैम आप इस बुक को एक बार पढ़िए तो सही मैम। साथ आप यहाँ से जाइए। हेलो